ये सच है कि जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में होते हैं उनको नंबर दिखते हैं, बट मैं बताती हूँ मुझे नंबर कब दिखे। स्टार्टिंग में अगर कोई साइन मिला है तो वो एक अननोन पर्सन दिखता है, जिसको मतलब पास्ट लाइफ से होता है, वो दिखता है। और ड्रीम्स में नंबर दिखते हैं, 2 बार मुझे 4 अक्षरी नंबर दिखे और वो क्या है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। 11 11 11 भी हो सकते हैं, 6 9 9 6 भी हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ थे। उसके बाद मुझे कोई भी नंबर नहीं दिखाई दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें एक तो नंबर दिखाई देना चाहिए था ना, एक भी नंबर नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया बताओ? ड्रीम्स में ही नंबर क्यों दिखाई दिया? क्योंकि तब तक मैंने वीडियो ही नहीं देखे थे ना, तब तक मैंने वीडियो ही नहीं देखे थे। जो ट्विन फ्लेम्स के वीडियो होते हैं वो मैंने देखे ही नहीं थे, तो मुझे क्यों नंबर दिखाई देंगे? तो मुझे नंबर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। जब आप ऐसे वीडियोस देखते हो जिसमें बताया जाता है कि ट्विन फ्लेम का नंबर 11 11 है, तब से आप नोटिस करने लग जाते हो। मतलब नंबर जो है, देखो अभी घड़ी में 11 11 हुए हैं, 11:11 हुए, भर सुबह के हो या शाम के हो, रात के हो, कभी भी के हो, तो मुझे भी दिखेंगे, एक आम इंसान को भी दिखेंगे, सबको दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या सब ट्विन फ्लेम होंगे? और 11 11 क्या सिर्फ इंसान मतलब ट्विन फ्लेम्स को ही दिखाई देगा, बाकी लोगों को नहीं दिख सकते? अगर गाड़ी की प्लेट पे जानबूझ के लोग 11 11 नंबर रख रहे हो तो क्या वो ट्विन फ्लेम है? अगर वो 11 11 नंबर हमको दिख गया तो हम ट्विन फ्लेम है? मुझे नंबर तब से दिखाई देने शुरू है जब से मैंने वीडियो देखे, क्योंकि वीडियो से ही मुझे पता चला नंबर दिखते हैं। तो कुछ मैजिकल चीज़ें हुई, जैसे ऑटोमेटिक ये नंबर जो है फ्लैश होने लगा। जैसे मैं वो मोबाइल को मैंने छुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक वो मोबाइल जो है शुरू हो गया, उसमें 11 11 दिखने लगा। तो कुछ मिराकल चीज़ें ज़रूर होती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो हो ट्विन फ्लेम हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उनको पूछती हूँ कि अच्छा आप बोल रहे हो कि आप जो हो ट्विन फ्लेम हो, तो आपको ऐसा क्या साइन मिला है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो? मैडम मेरे साथ बहुत सिंक्रोनिसिटी होती है, मेरा ट्विन जो है मेरा ड्रीम में आता है। अब मुझे ये बताओ, जिसको लव होता ही डीपली है, लव इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन, समझते हो आप? अनकंडीशनल लव जो होता है बहुत ही प्योर वाइब्रेशन होता है, हायर वाइब्रेशन होता है। ऐसे में आपको आपका जो भी लवर है जिससे आप प्यार करते हो, वन साइड टू साइड जो भी हो, वो आपको दिखाई देगा, तो क्या वो ट्विन फ्लेम हो जाएगा? देखो ट्विन फ्लेम अगर ड्रीम में आता है तो क्या बाकी लवर ड्रीम में आ नहीं सकते? भूत प्रेत भी मेरे ड्रीम में आते हैं, तो क्या वो मेरे ट्विन फ्लेम है? मेरे काउंटर पार्ट है? मेरा कार्मिक अभी भी मेरे ड्रीम में आता है, जितना मेरा डीएम नहीं आता उतना मेरा कार्मिक आकर डिस्टर्ब करता है। तो आप बताओ क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है? देखो मंजुलिका थी ना, मेरी ढोलना सुन, कितना सुंदर गाना है, जाके देखो एक बार। उसको जब वो अमेरिका में रहती थी, जब उसको मंजुलिका के बारे में वो फिल्म, भूल भुलैया, अगर आपको पता नहीं हो तो जाके देख लो। तो जब वो फिल्म देखती है, जब वो अमेरिका में होती है, तब उसको मंजुलिका के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और उसको लगता भी नहीं कि वो मंजुलिका है। बट जब वो इंडिया में शिफ्ट होती है अपने हस्बैंड के साथ, उस हवेली राजमहल जो भी होता है वहाँ रहती है, वहाँ की जो है मंजुलिका की कहानियाँ सुनती है, फिर उसको लगने लगता है कि वो जो है मंजुलिका है इनसाइड, और वो जो ऑटोमेटिक जो है कभी कभी मंजुलिका बन जाती है। तो कब से मंजुलिका का भूत उसके ऊपर आ गया? जब से उसको मंजुलिका के बारे में पता चला। तो ये सिंक्रोनिसिटी आपके साथ तब से हो रही है जब से आपको नंबर्स के बारे में पता चला। बट मेरे साथ सिंक्रोनिसिटी नेचुरली हुई थी, मुझे ड्रीम्स में नंबर दिखाई दिए थे और मुझे ट्विन फ्लेम ये शब्द मैंने गलती से भी नहीं सुना था। मैं मोबाइल तो चलाती थी, ज्योतिष की वीडियो देखती थी, कोई भी साइन अगर ड्रीम में मुझे मिलता था वो मैं सर्च करके गूगल के यूट्यूब चैनल्स पे देखती थी, पर तभी भी मेरे पास कभी भी यो जो है ट्विन फ्लेम का वीडियो कभी भी नहीं आया। क्योंकि जो रेकी से संबंधित चीज़ें होती है, चक्रा से संबंधित चीज़ें होती थी, मैंने तो मुझे ऐसा लगता था यार मैंने तो रेकी सीखी है, मैं ग्रैंड मास्टर बनी हूँ, क्रिस्टल रेकी सुनी हूँ, बस अब दिमाग इस चीज़ से बाहर निकालो, सिर्फ बॉडी की हीलिंग करो और आत्मा को जो है सुख दे दो ईश्वर के चरण में। तो ऐसा ही मैं सोचती थी कि मेरी आत्मा जहाँ चैन पाना चाहती है, फ्रिज में जाकर रहना चाहती है, बर्फ बनना चाहती है,
वहां मैं उसको डालूंगी, मेरा दिमाग जो है मैं ज्यादा नहीं चलाऊंगी, मैं सरेंडर मोड पे रहूंगी, ऐसा मैं सोचती थी और मैं वही करती थी जो मेरी आत्मा कह रही है। तो ये सिंक्रोनिसिटी भाई, इससे जरा बच के रहो। सिर्फ सिंक्रोनिसिटी और ड्रीम्स से कुछ भी नहीं होता है, और सिर्फ चक्रा अवेकनिंग से भी कुछ नहीं होता है। चक्रा भी बहुत लोगों के जो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ वो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऑटोमेटिक अगर एक्टिवेट होते हैं तो अलग बात है। आप रेकी सीख रहे हो, योगा कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और उसके बाद चक्रा अवेक हो रहे हैं और आप समझ रहे हो आप ट्विन फ्लेम हो, या कुछ लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ हाँ आप ट्विन फ्लेम हो, फिर आप कुछ 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 कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, फिर आपके चक्र अवेक हो रहे हैं, आप समझ रहे हो आप ट्विन फ्लेम हो। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि इस जर्नी में आने के बाद सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और कुंडलिनी चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। तो तभी आप अपने आप को कुछ देखो, इतना होने के बाद भी, सातों चक्र और कुंडलिनी चक्र अवेकन होने के बाद भी जो है आप ट्विन फ्लेम ही हो ये नहीं कह सकते। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ये जरूर कह सकते हैं, बट आप ट्विन फ्लेम हो ये नहीं कहा जा सकता, कंफर्म नहीं किया जा सकता। और आप अगर ट्विन फ्लेम हो भी तो ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम कुछ जिंदा फॉर्म में भी हो, आत्मा के फॉर्म में भी हो सकता है। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम जो है जन्म ही ना लिया हो, वो आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में ही हो और स्पिरिट वर्ल्ड से ही वो आपको कनेक्ट कर रहा हो, आपको मैसेजेस दे रहा हो, और आप समझ रहे हो कि आप किसी और को ढूंढ रहे हो। ऐसा भी होता है, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा भी होता है। कुछ लोगों के ट्विन्स जो होते हैं स्पिरिचुअल मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, वो स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, वहीं से आपको गाइड करते हैं, वहीं से आपको कनेक्ट करते हैं, ड्रीम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और जो है जीवंत लाइफ में भी मतलब मार्गदर्शन करते हैं आपको। बट ज़रूरी नहीं है कि वो जिंदा ही हो, फिजिकल फॉर्म में भी हो, लड़का ही हो, लड़की ही हो, एज डिफरेंस ना हो, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्म जो है अनकंडीशनल लव का है। तो इसमें जो है कोई भी निसर्ग ने जो है, नेचर ने जो है, इसमें कोई भी फॉर्म नहीं रखा है कि लवर ही होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, वो बस आपको कंप्लीट करता है, दूर से ही कर सकता है, ज़रूरी नहीं फिजिकल कनेक्शन में आए। मैं अपने इतने वीडियो बनाती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर पागल ही होना है तो मेरे वीडियो देख के हो जाओ, क्योंकि उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, आपको भटकने से बचाया है। तो मैं बोलती हूँ कि जो भी मेरे पास आते हैं वो फिर से मैं उनको कुछ वीडियो सेंड करती हूँ। और क्या है कि डीएम के बारे में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग इतनी आवारगी करते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं, और आप फिर भी उनको जो है डीएम समझ लेते हो, क्योंकि आपका बर्थ डेट नंबर उनको दिख रहा है, इसका वो नंबर दिख रहा है, 11/11 दिखा है, ड्रीम में वो दिखा, मतलब वो मेरा ट्विन फ्लेम हो गया, ऐसा आप समझते हो। और वो जो इंसान है वो आपकी नंगी पुंगी फोटो आपके फैमिली मेम्बर्स को भेज रहा है, आपके रिलेटिव्स को भेज रहा है, आपको कहीं भी भेज रहा है। ऐसे 100 केसेस मेरे पास आ चुके हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ चुके हैं। और सभी यही बोलते हैं कि मैडम हमारी फ़ोटो देख के जो है हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है इनके, इनसे पास तो देखो, ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही इलाज होता है, इनको पुलिस के हवाले करना ही। आप जो है घर की इज्जत के लिए जो है छुपाते हो, देखो आप शादी कर लोगे फिर ऐसे फ़ोटोज़ जो है आपके हस्बैंड के पास आ जाएंगे, तो कैसे आप मैनेज करोगे? या आप कल आपके कॉलोनी में ये फ़ोटो भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। इससे पहले कि वो ये हरकत करे आप तुरंत उनका मुंह कुचल दीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए, अगर खुद की इज्जत की इतनी परवाह है तो मुंह पे पर्दा रखे जाइए और रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा नाम कहीं भी ना आए, हमारे घर वालों के भी नहीं पता चले, और जो महिला आयोग होते हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी बदनामी की जा रही है और हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और कहीं से अगर आपने कोई पैसे दिए हो तो वो रिसिप्ट भी जो है उनको दिखाइए। और ऐसे लोगों को जेल में ही डालना चाहिए। कंगना रनौत का अपनी वीडियो देखा ना आपकी अदालत, क्या बोला था उन्होंने, ऐसे लोग जो है पुलिस ही इनको सुधार सकती है। अगर वो ऐसी ही डरती तो आज भी वो कहीं पे छिपी होती, आज भी मारे खा रहे होते और वो कुछ भी नहीं कर पाते, इतनी सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो पाती। देखो जीवन में चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, सबकी लाइफ ऐसे स्मूथ नहीं हो सकती, शायद यही आपका सोल पर्पस हो, इसीलिए जो है आपको ये प्रॉब्लम दी गई हो। अगर आप ही सोचोगे कि कैसे मैं जो हूँ अपने ऐसा इतना रहस्य खोल दूँ, अब मतलब क्या मैं कैसे फेस करूँगी दुनिया को, देखो ये आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के जो है आपको
बहुत बेहाल कर देंगे। तब आपको रियलाइज होगा कि काश उसी वक्त मैं वो स्टेप ले लेती तो आज मेरे ऊपर ये समय नहीं आता। तो मैं कहती हूँ कि कौन थी वो एक्ट्रेस जिसने फॉरेन से रिटर्न होने के बाद मीटू का मुहिम चलाई, तो आप भी मीटू करो, घबराओ मत। स्त्री पुरुष समानता तभी आ सकती है जब आप खुद चाहते हो कि आप एक समान लेवल मेंटेन करो। और देखो अभी मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत उड़िया मारने वाला है, कुदिया मारने वाला बंदर की तरह। देखो देखो देखो, डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो बहुत ही केयरिंग होते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो डिवाइन फेमिनाइन पे है कोई नज़र तक डाले, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सीरियसली मैं बोलती हूँ, वो कभी भी अपना लव जो है कन्फेस नहीं करते, वो बताते नहीं है, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, बट वो इतने इनसिक्योर होते हैं अंदर से, उनको लगता है मेरी डीएफ की तरफ जो है कोई नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। बात होती है जब टावर मूवमेंट आते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं, डीएफ पे आरोप डाल देते हैं, वो एक किस्सा अलग होता है। बट जनरली जब वो यूनियन में होते हैं या उससे पहले भी होते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो होता है ज़रूर उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होता है स्टार्टिंग में, बाद में वो सोल लेवल पे होता है, बहुत आगे जाके उनको समझ में आता है कि क्या कनेक्शन है, बट वो कभी भी उसका नुकसान नहीं चाहते। सीरियसली अभी मुझे, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ लिटरली उनको जो है उनके जो बॉयफ्रेंड है या जो है बेच के खा रहे हैं। सीरियसली मतलब उनको फोटो देख के जो है उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी फोटो उनके घर वाले रिश्तेदार पता नहीं कहाँ कहाँ दे रहे हैं, और ये जो है समझ रही है मेरा ट्विन फ्लेम है, और वो न जाने कितने पैसे जो है उसको दे रही है ये समझ के कि वो जो है मेरा डीएम है, डिवाइन मैस्कुलाइन है। देखो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ डिवाइन वर्ड जुड़ा है, तो मैं स्पेशली ये बात बताती हूँ, वो कभी भी मतलब ऐसे नहीं होते कि डीएफ से मैं पैसे लूं, डीएफ से मैं, ऐसा ऐसा नेचर नहीं होता है उनका। गिवर होते हैं वो, जो किसी को भी दे सकते हैं। हाँ पैसा कमाना भी वो जानते हैं, वो एक अलग उनका नेचर होता है, बट वो गिवर होते हैं। हो सकता है लाइफ में जब वो गरीब हो शायद उनका नेचर, अब देखो मजबूरी इंसान को कुछ भी बना सकती है, बट जब वो अच्छे लेवल पे आ जाते हैं तो वो कभी भी वो जो है गिवर बन जाते हैं और हमेशा गिवर होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जब गरीब होते हैं, किसी भी कंडीशन में जो है वो सिर्फ एक गिवर ही होते हैं, और लोग हमेशा उनकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। ऐसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, ना कि जो है अपने डीएफ को ब्लैकमेल करके पैसे ऐठना, ये जो है तो डिवाइन मैस्कुलाइन का काम नहीं होता। ये देखो हमारा हमारे लाइफ में क्या हुआ था, कितना भयंकर टावर मोमेंट था, हमारी जो है इतनी भयंकर बदनामी की गई थी, वो भी मतलब परेशान हो गया, मैं भी परेशान हो गई, और ऐसे टाइम में जो है दोनों को एक दूसरे का जैसे मुंह देखना पड़ रहा है कि नीचे वो रह रहा है ऊपर के घर में मैं रह रही हूँ, और जो है लॉकडाउन पड़ा है कि कहीं जा ही नहीं सकते, तो मतलब कितनी भयंकर स्थिति है कि ऐसे सिचुएशन में अगर शक हो रहा है उसकी वाइफ को कुछ बेवजह, और जो है निगेटिव एनर्जी आपको सेंड कर रही है, और ऐसे में आप भाग जाना चाहते हो, आप भाग भी नहीं पा रहे हो, तो कितना भयंकर समय था। तो देखो उस टाइम पे तो सबके लिए ही किराया माफ़ कर दिया गया था, जब वो रूल ही निकला था उस टाइम पे, किसी ने मुझे बताया था कि 3 महीने का किराया जो है गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी ने कहा है, किसने कहा है पता नहीं, बट 3 महीने का किराया जो है सबको माफ़ कर दिया गया था, ऐसा रूल था, बट कुछ लोग ले रहे थे कुछ लोग नहीं ले रहे थे। तो मेरे बेचारे डिवाइन मैस्कुलाइन और उसकी वाइफ जो थी, उन्होंने हमसे 2 महीने का किराया नहीं लिया, इवन लड़ बिल भी वो ले सकते हैं, ठीक है वे किराया नहीं दे रहे हो, लड़ बिल तो दो, पानी का बिल दो, वो भी नहीं लिया। तो ऐसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, और वो अपनी फैमिली को भी जो है ऐसे ही मेंटेन करते हैं, ऐसे ही संस्कार देने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं, अगर क्या कर सकते हैं, अगर वो ना माने वो अलग बात है, बट ऐसे वो मेंटेन करते हैं। बट ये जो होता है कि उसकी नंगी पुंगी फोटो जो है दिखाकर वो पैसे ऐंठना, रिश्तेदारों के पास भेजना, ये करना वो करना, मतलब सबको कितने कितने, ऐसा गंदा इंसान कभी भी डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं हो सकता, आप समझो इस बात को। सुप्रिया मैम ने एक वीडियो बनाया था कि आखिर रियूनियन कब होता है क्या होता है, उसका कुछ नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आप उसमें देखो कि हाँ वो फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड होते, मतलब अट्रैक्शन में आते हैं, रिलेशन उनके कई लोगों से बन जाते हैं, बट हो सकता है ओवर यूज, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से हावी होते हैं, बहुत यूज़ कर सकते हैं किसी का, बट वो जो है
वो एक फिजिकल बात है, समझ रहे हो, सोल लेवल की बात नहीं है वो। अगर वो फिजिकली बहुत एक्टिव है तो फिजिकल बात है, सोल लेवल की बात नहीं। सोल लेवल पर ये बहुत बड़े गिवर होते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, ज़्यादा से अच्छा समाज में सबकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिवाइन सोल होते हैं। तो ये जो कोई भी आपके साथ घटिया हरकत कर रहा है, तो आप ये जान लो वो डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है। ये अलग बात है कि दोनों अगर साथ में रहते हैं तो झगड़े हो सकते हैं, डोमिनेटिंग नेचर होता है डिवाइन मैस्कुलाइन का, वो अलग बात है। लेकिन ये भी एक बात है, डिवाइन फेमिनाइन के सामने जो है अपने सारे शस्त्र अस्त्र वो डाल देते हैं, पूरा मतलब उसको जो है सरेंडर कर देते हैं, ये भी एक बात है। और नहीं होते डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत बहुत बहुत, देखो यहाँ पे मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है बंदर की तरह ना नाचे, इसीलिए मैं बता रही हूँ, मैं सबके लिए बता रही हूँ कि वो किसी भी गलत रिलेशनशिप के जो है शिप्स को जो है डिवाइन मैस्कुलाइन कनेक्शन ना समझे। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी किसी का फायदा नहीं उठाते, उल्टा लोग उनका फायदा उठाते, तो ऐसे होते हैं। तो टावर मोमेंट जब आता है वो जरूर डिवाइन फेमिनाइन के साथ बहुत गलत चीजें करते हैं, बट वो उनका वो डर होता है, फियर होता है कि वो जो है समाज के सामने जो है कभी भी खुल के सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ ट्रुथ पे चलती है, वो स्पिरिचुअलिटी पे चलती है। डिवाइन मैस्कुलाइन सोसाइटी को देखता है, फैमिली को देखता है, फैमिली की इज्जत को देखता है, वो उसका अलग एकदम दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो किसी भी ऐसे आलतू फालतू इंसान को जो आपका फायदा ले रहा है, ऐसे इंसान को जो है आप डिवाइन मैस्कुलाइन मत समझो। और उसको ड्रीम में देख लिया, दो चार नंबर देख लिए, तो वो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है। दो चार चक्रा एक्टिवेट हो गए तो आपका वो डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है, भले ही 7 चक्रा एक्टिवेट हो गया हो, फिर भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ये कंफर्म नहीं है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो। तो ये सिंक्रोनिसिटी वगैरह कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ नंबर देखने लग जाते हो, फिर आपको लगने लगता है मुझे भी नंबर दिखा है, शायद मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। तो ये मैटर है, देखो मुझे भी न, क्यों फिर मैं कुछ एक 6 महीने का पीरियड था या 4 महीने 3 महीने जो भी था, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीनों में मुझे नंबर क्यों नहीं दिखाई दे, 5 महीनों में, 5 महीने जून जुलाई तक समझो, क्योंकि मैंने तब तक सिंक्रोनिसिटी वाले वीडियोस देखे ही नहीं थे ना, ट्विन फ्लेम्स वाले वीडियो जो है पूरी तरह से देखे ही नहीं था, तो मुझे कैसे नंबर दिखाई देते। नंबर मुझे तब दिखाई देने लगे जब मुझे पता चला, क्योंकि जब पता चला तो मैंने ऑब्जर्व किया। इसके पहले भी आपके आंखों के सामने नंबर जाते हैं लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि नंबर तो हर ही जगह होते, प्लेट पे होते, कहीं भी, फोन्स पे होते, घर पे होते, नंबर कहाँ नहीं होते हैं, सभी जगह होते हैं, तो दिखेंगे ही। अब जो 11-11 नंबर ट्विन फ्लेम को देख रहा है कि साधारण इंसान को नहीं दिख सकता, अगर सामने 11-11 नंबर लिखा हुआ है तो जितने भी लोग हैं, भरे हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, उनको 11-11 ही दिखाई देगा, कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। तो क्या सब ये समझ ले कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है? तो सिंक्रोनिसिटी का कुछ भी नहीं होता है। आप सिंक्रोनिसिटी देख के जो है अपने आप को जो है ट्विन फ्लेम मत समझो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। और ड्रीम में आपके लवर्स भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम है। उल्टा डीएम कम आते हैं ड्रीम में, जब स्ट्रांग मैसेज देना होता है तब आते हैं वो ड्रीम में, समझे? थैंक यू सो मच।